वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं जगह दास्तान, में हूँ आपके साथ उमर हरगा। जिस तरह आपको बता दूं कि इस वक्त मैं ठीक यानी कि पासरकोट के इलाके जो इलाका यानी कि नाइदगाम और गुरनाल के बीच में पड़ता है को, और आगे आधे घंटे पहले जो है यहाँ पे खबर आ रही है यानी कि जो मुठभेड़ यानी कि आतंकवादी और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि यानी कि दोनों तरफ से जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और यानी कि आतंकवाद के बीच में जो है वो गोलियां यानी कि गोलीबारी जो है वो दोनों तरफ से रही थी। और इस वक्त हम उसी ठीक यानी कि जीरो ग्राउंड पर मौजूद है। यहाँ मेरे पीछे जो आप ये घने जंगल देख रहे हैं, ये गुरीनाल और इस साइड जो आप देख रहे हैं कि नाइदगाम का इलाका है। जिस तरह आपको बता दूं कि 13 तारीख को जो है एक एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें आपको बता दूं हमने पल पल की अपडेट जो है वो पहुंचाने की जरूर कोशिश की थी, यानी कि जो हमारे सेना के जो है 3 जवान इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें आपको बता दूं कि 2 हमारे सेना के जो जवान थे वो शहीद हुए थे, यानी कि उन्होंने शहादत दी थी। और इस वक्त आपको बता दूं कि हम उसी यानी कि जीरो ग्राउंड पर मौजूद है। जो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रिज जो है यानी कि एक साइड से जो है गुरीनाल का इलाका पड़ता है और दूसरी साइड से आपको बता दूं कि ये नाइदगाम का इलाका पड़ता है। उसमें आपको बता दूं कि आधे घंटे पहले जो है आप यहां पे मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रही थी, यानी कि सिक्योरिटी फोर्स और आतंकवाद के बीच में जो है मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसमें जो है वो गोलियां जो है दोनों तरफ से जो है वो चली थी। और आपको बता दूं कि इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं, जिस तरह आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा के चुनाव जो है वो चल रहे हैं, और इन्हीं को जो है वो डिस्टर्ब करने की जो है आतंकवादी हर वक्त जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन इलेक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करिए। और आपको बता दूं कि ये इलाका जो है पूरी तरफ से जो है यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वो घेर लिया गया है, और पूरे यानी कि जंगल को जो है वो कॉर्डन किया हुआ है। जो आतंकवादी है उनको हर एक साइड से जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो घेर लिया है। जिस तरह आपको बता दूं हम बिल्कुल जो है वो लाइव विजुअल आपको दिखा रहे हैं उसी हेडक्वार्टर साइड से। ये आप मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं, ये पासरकोट का वही इलाका है, यानी कि एक साइड से आपको बता दूं कि नाइदगाम का इलाका है और दूसरी साइड से आपको बता दूं कि गुरीनाल का इलाका, और ये बीच में जो रिज है यहाँ पे जो है आधे घंटे पहले जो है वो गोलीबारी जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें आपको बता दूं कि जो खबरें जो हमें मौसूल हुई है वहां से ये पता चलता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवाद के बीच में जो मुठभेड़ शुरू हुई थी, और आधे घंटे पहले जो है यहाँ पे मुठभेड़ जो है यानी कि गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी थी। इस वक्त हम बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे मौजूद है और आप तक ये खबर पहुंचाने की जरूर कोशिश कर रही है। इलाका जो है सब डिवीजन छात्रों के यानी कि कुछ ही दूरी पर वाका है। जिस आपको बता दूं कि हमने 13 तारीख जो अपडेट दी थी, वहां पे हमारे जो सेना के जो जवान थे उसमें से 2 जवान जो है उसमें से शहीद हुए थे, यानी कि उन्होंने शहादत दी थी, और 2 जवान जो है इसमें घायल हुए थे। आपको बता दूं कि बिल्कुल हम उसी वक्त इस वक्त जो है बिल्कुल उसी साइड पर मौजूद है। जो आप मेरे पीछे जो इलाका देख सकते हैं, यहाँ पर वो कायर आतंकवादी जो है वो इस इलाके में छुपे हुए हैं, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने पूरे इस इलाके को घेर लिया है। आपको बता दूं कि इलाका जो है सब डिवीजन छात्रों से कुछ ही दूरी पर वाका है। जिस तरह आपको बता दूं कि चुनाव को जो है यानी कि डिस्टर्ब करने की आतंकवादी जो है वो हर पल जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इन इलाकों में जो है यानी कि 13 तारीख से जो है वो लगे हुए थे, किस तरह इन आतंकवादियों को जो है घेर लिया जाए। बिल्कुल इस वक्त हम ठीक उसी जीरो ग्राउंड पर मौजूद है। आप मेरे पीछे जो जंगल देख रहे हैं, इन्हीं जंगलों को जो है उन आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं वो अपना घर बनाया हुआ था, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है 13 तारीख से इस सर्च ऑपरेशन में जारी थी, यानी कि J&K पुलिस और SOG की टीम जो है इन इलाकों में जो है 13 तारीख से पूरी तरह जो है घेरी हुई थी, और आज जो है यानी कि आधे घंटे पहले यानी उन आतंकवादियों के खिलाफ जो है वो गोलीबारी जो है वो देखने को मिल रही थी। इस वक्त बिल्कुल हम उसी जीरो ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल जो आप मेरे पीछे जंगल देख सकते हैं कि यहाँ के एक तरफ जो है यानी कि 13 तारीख को जो एनकाउंटर हुआ था नाइदगाम इलाके में, और एक साइड से जो है गुरीनाल का इलाका पड़ता, इसी बीच जो रिज है इसी में जो है यानी कि जो कायर आतंकवादी वो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। जो पीछे ये इलाका देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेज के तरफ से जो है वो ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है कि किस तरह इन यानी कि आतंकवादियों की साजिशों को जो है वो खत्म किया जा रहा है, और यहां से आतंकवादियों का सफाया जो है वो बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज हर एक पल जो है यानी कि पल पल यानी कि बिल्कुल जो आप ये पीछे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है, यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इन आतंकवादियों का सफाया करने में जो है वो हर पल की कोशिश जो है वो कर रही है। और आपको बता दूं कि हम इस पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं, और आप तक हर एक पल पल की अपडेट जो है वो पहुंचाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो बिल्कुल ये खबर आ रही है यानी कि आतंकवादी और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में जो मुठभेड़ शुरू हुई थी, और यह इलाका वही इलाका है जहां पे मुठभेड़ देखने को मिल रही थी, और आप देखते रहे जेके दास्तान, हम आपको पल पल की अपडेट जो है इस हेडक्वार्टर साइड से देने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।